डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल्स बनते थे टेस्टिस में, टेस्टिस में जर्म सेल्स यानी जो स्पर्म्स हैं, और उसके बाद वो वास डिफरेंस ट्यूब से जो कि रास्ते में एक जो ट्यूब आती है यूरिन की, जिसमें होता है वो दोनों मीट करते हैं कहाँ पे, वो दोनों एक ही ट्यूब में मिल जाते हैं यूरिथ्रा, और वो यूरिथ्रा पीनस के अंदर से हो जाती है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं, जैसे मेल जर्म सेल्स का स्पर्म, फीमेल जर्म सेल जो होता है ओवम या एग जो है वो ओवरीज में बनते हैं। सो फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ओवरीज दो होती हैं, लेफ्ट और राइट ओवरी। ओवरीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी इसमें हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन, जैसे मेल था टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल को तैयार करता है माँ बनने के लिए, हाँ, कि उसमें वो जो चेंजेस आते हैं, यानी उसकी जो बॉडी है, उसका जो ब्रेस्ट है उसका साइज इंक्रीज करना, या और चेंजेस जो सेक्सुअल पार्ट्स में जो चेंजेस होते हैं उनका आना। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की नई पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर सेल। ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर, जो लेफ्ट और राइट ओवरीज होती है उसमें इमेच्योर सेल्स होते हैं, यानी वो मैच्योर नहीं होते, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन जब वो प्यूबर्टी यानी जब मैचुरल साइकिल स्टार्ट होता है, जब जो उनकी हिंदी में महावारी बोलते हैं, जब वो उनका जो जर्म सेल्स जब वो तैयार होती है, जर्म सेल्स प्रोड्यूस करना, जब उनका मंथली जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, वो टीनेज की स्टेज में, टीनेज जब होती है, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। ये जो सेल्स हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ओवरीज में, ये मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। हर एक महीने में जो एग है वो बाहर आता है, जिसको जो पीरियड्स हैं उसमें। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो एग होता है ओवरीज में, लेफ्ट या राइट ओवरी में जो एग बनता है, ये ओवरी में, ये जो ओविडक्ट जो होती है, ओविडक्ट होगी जो ट्यूब होती है जो ओवरी से, लेफ्ट और राइट ओवरी से निकलती है, ये ट्यूब उनको कहाँ ले जाती है, एग्स को, ये उनको ले जाती है। द एग इज कैरीड बाय फ्रॉम द ओवरी टू द womb, जो womb जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इन टू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं, ओविडक्ट यूट्रस में, यूट्रस सेंटर में, बैग लाइक जैसे इलास्टिक बैग, यानी एक थैले की शेप में छोटी सी थैली सी होती है, जहाँ पे ये दोनों फेलोपियन ट्यूब क्या करती हैं, ओवरीज जो हैं वो मिलती हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये जो यूट्रस होता है बैग लाइक, ये कहाँ पे ओपन करता है, बाहर, ये वेजाइना इसको बोलते हैं, थ्रू इनटू ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है उसके जरिए ये वेजाइना बाहर खुलता है, जहाँ जिसके सबसे पहले बाहर वाला पोर्शन होता है वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है। अब द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पासे थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, मेल जो है अपने स्पर्म्स जो है फीमेल के अंदर जो ट्रांसफर करता है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, वो फिर क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है, दे ट्रैवल टूवर्ड्स अपवर्ड्स, वो ट्रैवल करते हैं अपवर्ड्स, यानी वेजाइना से सर्विक्स की तरफ, फिर वो यूट्रस में। अब यहाँ पे क्या होता है, दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इनकाउंटर द एग। अब वो जब स्पर्म्स जा रहे होते हैं सर्विक्स में, फिर वो यूट्रस में,
तो वहां पे उनको क्या होता है, जब वो ओविडक्ट में जाते हैं एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इनकाउंटर द एग, जहां पे क्या होता है उनको एग मिलता है, द फर्टिलाइज एग द जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस में लाइनिंग होती है, यूट्रस जो थैले की शेप में है, वहां पे जब ये जायगोट बनता है तो वो उसी लाइनिंग में, यूट्रस की जो लाइनिंग यानी उसकी जो अंदर वाली जो अंदर वाला जो उसका दीवार जो लाइनिंग होती है उसमें यूट्रस अटक जाता है, वहां पे फिर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होता है, यानी 2 सेल के बाद 4 सेल की वो जो मल्टीप्ल जायगोट होता है, फिर वो क्या करता है कि क्योंकि उसको बच्चा बनना होता है, उसको नया इंडिविजुअल पैदा होता है उसे, और वो मल्टीप्लाई करता है। फिर वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द वुमेन बॉडी इज मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हेंस यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोथ एम्ब्रियो। तो हमने बात पढ़ा कि फीमेल में जो मदर में हर महीने जो है वो चेंजेस आते हैं, तो हर महीने जो है वो उसमें क्या होता है कि वो जो प्रिपेयर करता है, जैसे हमने बोला पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो एक निशानी होती है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, वो यूट्रस हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो बच्चा पैदा करने। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। अब ये जो एम्ब्रियो जो इसमें आया, जब मेल स्पर्म जो है फीमेल ओवम के साथ जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज किया यूट्रस में, फिर जायगोट बना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जब वो जब जायगोट के बाद मल्टीप्लाइकेशन होती है और जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है, ठीक है, वो छोटा सा जो नाबालिग हो जो भी होता है वो जब उसकी डिवीजन होती है, वो एक एक कुछ एक सिर्फ मोटा सा एक सेल का मास जैसा होता है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। वो न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से। अब ये मदर का ब्लड कहाँ से वहाँ पे कहाँ आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेशल टिश्यू होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि क्या करता है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द होता है, एम्ब्रियो के आसपास होता है, ये डिस्क यूट्रीन वाल के साथ होती है, डिस्क लाइक होता है, और ये जो यहाँ पे यूट्रस के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून या बाकी सारे ग्लूकोज या बाकी सारी चीज़ें जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो बच्चा डेवलप हो